आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार साथियों, आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो एसआईडी से रिलेटेड तो नहीं है। मैंने एक अभी फ़िलहाल में एक इन्वर्टर परचेज किया है जो ल्यूमिनस का लेटेस्ट इन्वर्टर है, जीलियो आई करके है, और ये वाईफाई का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। आप अपने इसमें एक ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो ऐप के थ्रू आपके पास आती रहती है। आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है। ब्लूटूथ ऑन करने से ये इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक आपके ऐप से कनेक्ट हो जाता है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, जैसे बैटरी का लेवल हो गया, इसका बैकअप हो गया। आप फ़ोन से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में भी इसको अनबॉक्स करूँगा, आपको दिखाऊँगा इसका क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसमें पोर्ट्स हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये है ल्यूमिनस जीलियो आई 1100 आई। तो इसको अपन एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं। ये देखिए, सामने फिर से ऐसा दिखाई देता है ये, और बैक साइड में ये सब केबल्स और वायर्स दिए हुए हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो केबल है ये आपका एसी इनपुट के लिए है, और आपके ये जो दो वायर हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, ये बैटरी के लिए है। ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव पॉइंट के लिए है और रेड जो है वो पॉजिटिव पॉइंट के लिए है। और यहाँ पे एक एमसीबी दी हुई है, यदि कोई फॉल्ट होता है तो ये एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी और आपका सर्किट ऑफ हो जाएगा। और यदि बाय द वे इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप इसको यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। इसको नीचे डाउन कर देने से ये बाईपास मोड में चला जाएगा और आपकी लाइन डायरेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक कूलिंग फैन दिया हुआ है, यहाँ पर ये सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे इको में करेंगे तो नॉर्मल चलेगा, और यदि आप कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं तो यूपीएस मोड में भी इसको कर सकते हैं। और नीचे जो है बैटरी सिलेक्टर दिया हुआ है, आप कौन सा बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्शन देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर बैटरी का इंडिकेटर है, और इसका मैं कनेक्शन करूँगा जब आपको बताऊँगा। ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर देखिए, ऊपर में देखिए इन्वर्टर जो है बैटरी से कनेक्ट हो गया है। इसमें जो लाल वायर थे ये बैटरी के पॉजिटिव में जोड़े गए हैं, और जो ब्लैक वायर था ये नेगेटिव में जोड़ा गया है। और इसको जो एसी इनपुट है वो यहाँ से दिया गया है, ये एसी इनपुट से चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा है। और इसका जो डिस्चार्ज है, यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक 6 एम्पियर का एमसीबी लगाया है, इसके थ्रू ही पावर जो है पूरे घर में जा रही है। यदि घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एमसीबी ट्रिप करेगा और इसको प्रोटेक्शन देगा। हालांकि इसमें ऑलरेडी एक एमसीबी लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये एक प्रकार से डबल प्रोटेक्शन हो गया। और इसको पूरा पावर देने के लिए यदि वोल्टेज डाउन रहता है तो इसके ऊपर में ये 5 किलोवाट का एक स्टेबलाइज़र लगा हुआ है जो पूरे घर की लाइट को बूस्टअप करके रखता है, वोल्टेज को मैनेज करता है।
इस प्रकार इसका कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। मेरी जो बैटरी है ये 150 AH की है और फ़िलहाल तो मेरे को बैकअप इससे अच्छा मिल रहा है, करीबन 10 से 12 घंटे तक। दो फैन, 4 से 5 9 वॉट का जो LED है वो चल रही हैं। यहाँ पर देखिए अभी बैटरी फुल चार्ज हो गई है और जैसे आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी चार्जिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, ऑटो कट कर देता है पावर को। और जैसे ही आपका AC पावर ऑफ होगा ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर यदि कोई फॉल्ट आता है, देखिए अभी ये निशान मेंस ऑन दिखा रहा है, यदि कोई फॉल्ट आता है यहाँ तो फॉल्ट का सिंबल यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि ये इन्वर्टर जो है एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, जिसके कारण आप इससे जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं, फ़ैन या टेलीविज़न या लैपटॉप कंप्यूटर, आपको एक स्मूथ ऑपरेशन मिलता है। फ़ैन वगैरह भी स्मूथ चलते हैं और कोई एबनॉर्मल साउंड नहीं मिलता है। तो साथियों एक जानकारी थी इन्वर्टर के बारे में, कभी आप इसको परचेज करते हैं तो एक शुरुआत के तौर पर एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। अभी तो मेरे को 10 से 12 दिन हो गया इसको यूज़ करते हुए, परफॉर्मेंस अच्छा है, बैकअप भी अच्छा है और इसके अंदर शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड और भी फीचर्स हैं जिससे आपके जो इक्विपमेंट चल रहे हैं वो डैमेज होने से बचेंगे। और इसका पूरा डाटा आप मोबाइल पर भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।